नरेंद्र मोदी जी के पास, विजय के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है 1:20 रेशो होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन, हमारे पास सिर्फ सच्चाई। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो सब, हर चीज के लिए फर्स्ट स्टेप होता है और पहला कदम उन्होंने उठाया है, अच्छी बात है। मगर नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि भैया मैं आम ऐसे खाता हूँ, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूँ। और प्रेस वालों, आपकी आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चन पूछते हो, न्याय योजना कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, और नरेंद्र मोदी जी से साहब आप आम कैसे खाते हैं, साहब आप कपड़े कैसे पहनते हैं, साहब आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहाँ से सोच के निकाला, तो थोड़ी तो फेयरनेस आप भी कर लीजिए भाई, थोड़ी सी तो पूछ कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा, प्रेस वाले ने कहा नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया, मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना घूम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सेलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक।